हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं आपका अश्विन एकदम ठीक हूँ, खुश हूँ और अच्छा हूँ। आशा करता हूँ आप भी एकदम अच्छे होंगे। RSFI के अभी कुछ टाइम के लिए सारे इवेंट थम चुके हैं, क्योंकि सारे इवेंट खत्म हो चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट खत्म हो चुके हैं, स्टेट्स आएंगे वो नेक्स्ट मंथ से, तो अभी तक तो फ्री है। अभी सबकी वापस से ट्रेनिंग शुरू हो गई, वापस से ये देखो सारे बच्चे ट्रेनिंग पे आ गए, तो आज से वापस से ट्रेनिंग शुरू हो गया। आज से तो नहीं, कल शाम से शुरू हो गई थी। कल दिन में हमारी मेडल सेरेमनी कम्प्लीट हो गई थी, तो कल शाम से ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। तो आज हमारा फर्स्ट सेशन है अगले दिन का, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, स्प्रिंट सेशन है आज एक्चुअली। तो आज बहुत सारे लोग आए नहीं, क्योंकि शाम को मैंने पेल दिया इनको ढंग से, तो सब तो आए नहीं है। शिवांश है, आरना है, वान्या है, भावेश है फिलहाल तो, और अंश वगैरह के एग्ज़ाम है आज, और वह उज्ज्वल की तबीयत ख़राब है, तो अभी फ़िलहाल हम इतना ही है। तो अभी वीडियो में बने रहो, वीडियो देखते रहो, अभी वीडियो में और बहुत सारी चीज़ आने वाली है, तो बने रहो। टेढ़ी टेढ़ी क्यों हो रही है? खड़ा है मत हो तो भाग ले। क्यों नहीं भागा जा रहा? क्यों तो क्यों दर्द कर रहे हैं? ऐसे क्या कर दिया? स्वाद आ गए, स्वाद दर्द शुरू होना शुरू हुआ, और शाम को ठीक करवा दिया था इसका दर्द। अच्छा, यूनिवर्सिटी के जाते जाते, यूनिवर्सिटी से जाते जाते मर गई थी। तो यूनिवर्सिटी के सेशन करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ तो रखो। एक क्या दिक्कत है इनके साथ कि इनको अगर ढंग से पेल दो ना, तो अगले दिन बोल जाते हैं सारे के सारे, फिर इनका देखना पड़ता है कि क्या ऐसे हालत गई। जैसे निकलते इसके मेडल, ये सेशन में मरती है, इसलिए फिर वहां पे सबको मारती है। चल रहे, आजा आजा आजा, पहले 100 मारेंगे उसके बाद देख दूंगा। पिछले कुछ टाइम से ऑन सीजन, तू क्या कर रहा है? पैर नहीं खुल रहे तेरी, किसने करवा दी ट्रेनिंग है? पिछले कुछ टाइम से इवेंट चल रहे हैं, हर महीने दो दो टूर्नामेंट खेल रही है पूरी टीम, तो बड़ा ही फटीक सा हो गया होगा इन सबका भी ब्रेन। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन इनको ले जाऊँ, घुमा लाऊँ सारी टीम, मतलब जितने भी बच्चे हैं सारों को गाड़ी में भर के घुमा के ले आए, ताकि ये भी फ्रेश फील करे। और अब इस महीने भी है, अभी तो ये ख़त्म हुआ है, अब 24 तारीख से CBSE नेशनल शुरू हो जाएगा, तो वहाँ आधी टीम चली जाएगी, वहाँ से आके फिर नेक्स्ट मंथ RSFI का स्टेट आ जाएगा, स्टेट ख़त्म होते साला SGFI आ जाएगा। तो वैसे तो रेगुलर ही चलेगा, स्टिल ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा बाहर निकले इन सब चीज़ों से, ताकि थोड़ा सा फ्रेश फील करे टीम, और फ्रेश फील करेगी तो अच्छे से और अच्छे से प्रेशर हैंडल करेगी। एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट मैं ये सारी टेक्निक्स जो होती है, जो माइंड रिलैक्सिंग टेक्निक होती है, ये यूज़ करता हूँ मैं, ताकि और अच्छे से काम कर सके टीम, और अच्छे से इम्प्रूव कर सके अपने आप को। और ये चीज़ें ज़रूरी भी है, ज़रूरी नहीं है कि आप बस एक ही एक चीज़ में घुसे रहो, कुछ ट्राई करते रहना चाहिए, जिससे एक्साइटमेंट बढ़ी रहे। तो देखते हैं, अगर प्लान बनेगा तो कहीं जाते हैं, घूम के आते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या जाते हैं, इनको इंटरेस्ट है। अरे शिवान, घूमने का क्या प्लान है? करेंगे घूमने का प्लान सिंगापुर। सिंगापुर नहीं, यहाँ बताओ कहाँ चलते घूमने अगले हफ्ते भर में? अरे केदारनाथ चलते हैं बंदे। केदारनाथ, अरे वारे भक्त, बताओ रे दोनों, कोई प्लान है क्या घूमने का? गोवा चलते हैं। ये मेरे भगवान, मेरी गाड़ी यहाँ से 5 किलोमीटर के रेडियस में जाएगी, उसके अंदर जाना है तो बताओ। इस एरिया में बताओ कहाँ चलना है? नहीं, पे पास में गो कार्ट है। क्या है? गो कार्ट है। गो कार्ट है, ये क्या होता है? कार रेस। कार रेस, हाँ। रेस ही करनी है अभी है? गुड आइडिया। चलो ठीक है, फंस जाए पर वो बहुत पैसे लेता है।
तो अभी तो कुछ फाइनल नहीं हुआ है, पर जल्दी ही फाइनल कर लेंगे, एक दो दिन में फिर देखते हैं कहाँ चलते हैं। ये गधे हैं, ये तो बोल रहे हैं से कोई कह रहा है सिंगापुर जाना है, कोई केदारनाथ जाना है, किसी को गोवा जाना है। इनको सारों को आसपास में कोई फन पार्क फन किंगडम टाइप्स कुछ ले आके पटक दूंगा, वहीं घुमा लाऊंगा, हो गया। इनकी इनकी मेंटल हेल्थ सुधारते सुधारते मेरी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाएगी ऐसे। तो देखते हैं आसपास कहीं भी जहाँ समझ में आएगा वहाँ ले जाएंगे इनको। घूमने जा रहे हैं तो तेरे पापा वाली बुलेट ट्रेन से चलेंगे, कैसे चलेंगे? बुलेट ट्रेन से चलते चलो, पर वो अभी बनी नहीं है। तो कब बनेगी? जल्दी बता। 2062 चारों सोल्जर रेडी है अगला टेम्पो मारने के लिए। इनको बोल दो ना एक बार गाड़ी पकड़ दो, जन्नत आ जाती है, जन्नत है ना रे बे शर्मो, जन्नत मिल जाती है। ओए अगला शुरू हो गया, छोड़ो अगला शुरू हो गया, भागो जल्दी, जल्दी गाड़ी शुरू कर। आज के तो ट्रेनिंग ही खत्म हो गया अंधेरे अंधेरे में। हटागा हाँ भाई रिकॉर्डर, घूम तो सही, अगर घूम तो सही, कुछ बोल तो सही, ऑडियंस को कुछ बोलना चाहोगे? नहीं हैं? हाँ बस मैं। जब तूने कैसे कैमरा कर दिया है ब्राइट ब्राइट सा? बस मैं नया रिकॉर्डर है। नया रिकॉर्डर है? पैर दर्द हो रहा है। पैर दर्द हो रहा है तो क्या करें, क्या करें? स्कूल नहीं जाना क्यों यार? इनको ये लड़कों एक बार पापा मम्मी को कह देते कि स्कूल तेज बोल, ये लड़कियों को मुझे पापा मम्मी को कह देते एक बार स्कूल नहीं जाना एक दो बार, ठीक है? और मैं इतनी जिद करूँ तब जाके होता है। जिंदगी में एक बार छुट्टी है जिंदगी में। अच्छा अच्छा, तो तेज तो बोल ऐसे के मर जाता है क्या? अच्छा मेरे क्या ये लगा रखा ना, आवाज नहीं आ रही, हटा ही रहा हूँ, ऊंचाई कर रहा हूँ ऐसे लेता हूं, कॉम्पिटिशन होता है तभी छुट्टी लेता हूं, और जब कोई फेस्टिवल। अच्छा यार गाइस मैं आपको बता दूं, भावेश ने भी डांस किया था नवरात्रे में, कौन से गाने पे? ब्लैक कुर्ते में गया था, बड़ा सुंदर सा वो कोक स्टूडियो वाला गाना था ना, वो मुझे ना गाना, हाँ वही वही वही, उसपे नाच रहा था। अरे क्या नाचा है भाई, ये ठुमके मारे भावेश ने है भाभी, गरबा बहुत अच्छा है। हाँ इसके वीडियो है यार, दिखाओ। इसके वीडियो डालूंगा मैं, थोड़े से क्लिप्स डालूंगा इसके वीडियो के। अरे एक नंबर नाचा है भाई, छोरा एकदम ब्लैक सूट वूट पहन फून के, यार ये तो तूने दिखाया है। RSFI से पहले उसकी तैयारी हुई है ढंग से, वहाँ है चंदा 1,00,000 के ऊपर कलेक्ट किया इस लड़के ने, RSFI का चंदा इससे इकट्ठा करवाएंगे। तो किसी ने पीछे से, ये देखो भाई ब्लू वाले में, उसमें फिर कितने यूट्यूबर पर अपलोड हुए कि मैंने कहीं देखा है, किसी के स्टेटस पे देखा था सारे गरबा। अच्छा आपके स्टेटस वो ब्लैक में नाच रहा वो वाला है ना गरबा जी, चैनल दिखा दे भावेश, लाइव ही दिखा दे ना, लाइव दिखा दे भावेश, भावेश लाइव यही दिखा दे। ऐसे कर रहा तू करके दिखा, वही करके भावेश दिखा रहा है कि मैं फिर वीडियो लेके यूट्यूब पे डाल दूं, डाल दूं, दिखा दूं सबको तेरे फैंस को, हैं? तू अलाउ कर रहा है ना तेरे कंटेंट डालने को? डाल दो क्या जा रहा है, ठीक है लोग बहुत खुश हो जाएंगे। चलो आज का तो सेशन खत्म हो गया अंधेरे अंधेरे में, अब तो मुझे लग रहा है जब तक उजाला नहीं होगा, मतलब ठंड ठंड तो ऐसे आएगा, अब तो लग रहा है और भी उजाला कम हो जाएगा और सेशन ऐसे खत्म हो जाएंगे। तो आज का सेशन मैं यही खत्म करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, गरम गरम कपड़े पहन लो क्योंकि ठंड आ रही है, और बाय बाय कह दो, बाय।